हुआ कि राजनीति में उतरकर कांग्रेस और राकंपा जैसी पार्टियों में सेंध लगाने वाली ममता को दिन में तारे दिखने लगे हैं। एक के बाद एक करके भाग रहे नेताओं ने रविवार को कटोरी से विधायक लोरेंको भी शामिल हो गए हैं। जी हां, तृणमूल में शामिल होने के एक माह के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोवा के पूर्व विधायक लोरेंको बीते माह ममता बनर्जी के साथ आए थे। लोरेंको विधायक थे और कांग्रेस की गोवा इकाई से कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने दिसंबर में पार्टी और राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। माना जा रहा है कि वो ममता के लिए काफी मददगार साबित होंगे। लोरेंको राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। कांग्रेस में वो बहुत अहम किरदार में भी थे। वहीं बता दें कि लोरेंको ने बनर्जी को टीएमसी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा, लेकिन उसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया। उधर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए माइकल लोम्बो ने लोरेंको से कांग्रेस में लौटने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस अहम लड़ाई में लोरेंको का कांग्रेस में लौटना बेहद जरूरी है। उन्हें फिर से अपनी पार्टी में लौटने का फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना सांसद संजय रावत ने रविवार को तृणमूल और आप पर तंज कसते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां अपनी कल्पना में पहले ही तटपर्तीय राज्य में सत्ता में आ चुकी है और इस बार के गोवा के चुनावी दंगल में भाजपा कांग्रेस एमजीपी और जीएफपी जैसे परंपरागत प्रतिस्पर्धी पार्टियों के अलावा अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप और ममता बनर्जी की टीएमसी भी मुकाबले में है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ।